गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज रूट वर्ड का क्लासेस है 8 नंबर क्लास। आज 8वां क्लास है रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी सेशन का। और आज हम रूट वर्ड में डिक्ट रूट वर्ड से रिलेटेड ऑल वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। फिर बेने रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स वोकैबुलरी बन सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट मैल से रिलेटेड, ग्री से रिलेटेड और वाइब से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं आज के सेशन में। इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, डिक्ट, बेने, मैल, ग्री और वाइब। परंतु उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सरमस्पुर ट्यूटोरियल 3M को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर PDFs चाहिए तो फिर इस चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हुआ है, और फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्ट, डिक्ट रूट वर्ड जो है इसका मीनिंग है श्री टेल अनाउंस, मींस टू से समथिंग, टू टेल समथिंग और टू अनाउंस समथिंग। तो जहां भी आपको रूट वर्ड डिक्ट मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वह वर्ड कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, टेल से रिलेटेड है और अनाउंस से रिलेटेड है। जैसे यहां पर बेनेडिक्शन में डिक्ट वर्ड है, मैलेडिक्शन में डिक्ट वर्ड है, फिर आपको यहां वैलेडिक्शन में डिक्ट वर्ड है, फिर प्रीडिक्शन में डिक्ट वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्शन में आपको डिक्ट वर्ड मिल रहा है यहाँ, फिर इंटरडिक्शन में डिक्ट वर्ड है, फिर नेक्स्ट है डिक्टम में डिक्ट वर्ड है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भी डिक्ट वर्ड मिल जाए, डिक्ट रूट वर्ड मिल जाए, वो सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट से रिलेटेड है या कुछ कहना वो इससे रिलेटेड है या कुछ कहने के सेंस में होगा वो वर्ड का मीनिंग। सबसे फर्स्ट नंबर वर्ड हम देख लेते हैं बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन एक नाउन है, इसका मीनिंग है ब्लेसिंग्स और बून। मींस ब्लेसिंग मींस किसी को हम ब्लेस करते हैं, बून करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो ब्लेसिंग और बून से रिलेटेड है ये बेनेडिक्शन वर्ड। फिर नेक्स्ट है मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन जो रूट वर्ड है, मैलेडिक्शन जो वर्ड है यह नाउन है और इसका मीनिंग द अटरेंस ऑफ ए कर्स, बेन मींस, मैल मींस बैड और इल। तो ये हो गया मैलेडिक्शन। फिर नेक्स्ट वर्ड है वैलेडिक्शन। यह वर्ड भी कहीं ना कहीं से, टेल या अनाउंसमेंट से रिलेटेड है और यह भी नाउन है और यह एक प्रकार का फेयरवेल स्पीच है, मींस विदाई समारोह के समय में जो हम स्पीच देते हैं उसे वैलेडिक्शन कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिक्शन। तो जो प्रीडिक्शन है यह भी नाउन है, लेकिन प्रीडिक्शन किस चीज से रिलेटेड है, फ्यूचर के बारे में कुछ बताना, कुछ भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना, मींस प्रीडिक्शन ऑफ वेदर, मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना। तो ये सारे वर्ड्स हो गए, ये हो गए प्रीडिक्शन। तो इसमें भी डिक्ट वर्ड है, अर्थात यह भी अनाउंसमेंट से या कथन से रिलेटेड है। फिर वैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो वर्ड है यह भी नाउन है और इसमें भी जो है डिक्ट वर्ड है, तो यह वर्ड भी जो है कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट से या टेल से रिलेटेड है। इसका मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आइडियाज और फीचर्स विच आर अपोज्ड टू वन अनदर। मीन्स ऐसा आइडिया, विचार, फीचर जो एक दूसरे का अपोज करे, विरोध करे, विरोधाभास जिसमें हो, तो वो है कॉन्ट्राडिक्शन। फिर नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन वर्ड जो है एक प्रकार का नाउन है, इसका मीनिंग है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन और प्रोहिबिट समथिंग। किसी चीज को प्रतिबंध करने के लिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है उसे हम इंट्रोडिक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार डिक्ट वर्ड से हम लोग रूट वर्ड से वोकैबुलरी कर रहे हैं। और 7 नंबर जो वर्ड है डिक्टम।
डिक्टम एक प्रकार का नाउन है, मीन्स संज्ञा, इसे हम नाउन की तरह यूज करेंगे डिक्टम को। मीन्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट डेट एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल, मीन्स एक प्रकार का सिद्धांत है और सामान्य सत्य से संबंधित कथन है, तो उसे डिक्टम कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह भी एक प्रकार का सिद्धांत है, कथन है। माइट इज राइट, रिलीजन इज माइट, तो ये सारे जो है डिक्टम हो गए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिक्ट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है उसका, डिक्ट मीन्स टू से, टू अनाउंस, टू टेल, और यहाँ पर बेनेडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग, बून, मैलेडिक्शन मीन्स द अटरेंस ऑफ ए कर्स और बेन, मैल मीन्स बैड और इल, फिर नेक्स्ट वन बेनेडिक्शन मीन्स ए फेयरवेल स्पीच, समथिंग सेड इन पार्टी, प्रिडिक्शन मीन्स टेलिंग अबाउट द फ्यूचर, ए फोरकास्ट, प्रिडिक्शन अबाउट वेदर, फिर नेक्स्ट वन कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आइडियाज और फीचर्स विच आर अपोज्ड टू वन अनदर, इंटरडिक्शन मीन्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन और प्रोहिबिट समथिंग, नेक्स्ट डिक्टम मीन्स ए शॉर्ट स्टेटमेंट डैट एक्सप्रेसेस ए जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल, डैट इज डिक्टम। लेट्स सी द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू डिक्ट रूट वर्ड। तो यहाँ पर बेनेडिक्शन है और इसमें डिक्ट है, और इस बेनेडिक्शन का हम सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है। ब्लेसिंग्स है, बून है, एडवांटेज है, गिफ्ट है, और बेनिफिट है, बेनिशन है। ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद, लाभ पहुंचाने के सेंस से है बेनेडिक्शन। इसमें भी डिक्ट वर्ड है, फिर आशीर्वाद देते हैं तो कुछ ना कुछ कहते हैं कि चिरायु भव, लंबा उम्र हो, भाग्यवान हो, आपका भाग्यशाली हो, आप जो है खुश रहो, इस तरीके की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, बून देते हैं, कुछ एडवांटेज देंगे। तो ये सब बेनेडिक्शन का सिनोनिम्स है, ब्लेसिंग्स, बून, एडवांटेज, गिफ्ट और बेनिफिट और बेनिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटोनिम्स, यहाँ पर क्या क्या होंगे। मैलेडिक्शन, कर्स, बेन, डिसएडवांटेज, डिसअप्रूव, कमेंडेशन और एक्सक्रेशन, ये कर्स। तो ये जो है एंटोनिम्स हो गया यहाँ, एंटोनिम्स, मैलेडिक्शन, कर्स, बेन, डिसएडवांटेज, डिसअप्रूव, कमेंडेशन, कॉन्डेमनेशन और एक्सक्रेशन, माना कर्स। तो ये बेनेडिक्शन का यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड है बेन, तो ये बेन रूट वर्ड, एक डिक्ट रूट वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, DICT, डिक्ट, जो कहीं ना कहीं से, टेल और अनाउंस से रिलेटेड है, से, टेल और अनाउंस, अनाउंसमेंट से रिलेटेड ये डिक्ट रूट वर्ड है। इससे हम लोगों ने अभी बहुत सारे वर्ड्स कंप्लीट किए और उसका कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखा बेनेडिक्शन का। अब आइए सेकेंड, हम लोग आज के क्लास में देखते हैं बेने। बेने रूट वर्ड भी बहुत बढ़िया रूट वर्ड है और यह एक लैटिन रूट वर्ड है और इस जिसका मीनिंग है वेल, मीन्स अच्छा, और यह गुडनेस को कन्वे करने के लिए, प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है, वेलनेस को प्रकट करने के लिए, ऑनर को, ब्लेसिंग्स को और रेवरेंस को, मीन्स कहीं ना कहीं अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए बेने रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं, द फ्लोइंग वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द रूट वर्ड बेने। ये जो वर्ड्स है ये सब वर्ड कहीं ना कहीं बेने रूट वर्ड से ही रिलेटेड है और बेने रूट वर्ड पर बेस्ड है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं बिनाइन, इसमें भी BEN बेन आपको मिल जाएंगे। फिर बेनेवोलेंट में BEN बेन मिल जाएगा, फिर बेनिफिशियल में BEN बेन मिल जाएगा, फिर आप देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है बेनिफिशरी में BEN बेन मिल जाएगा, बेनेडिक्शन में BEN बेन मिल जाएगा आपको, फिर बेनेफैक्टर में BEN बेन मिल जाएगा और बेनिशन में BEN बेन मिल जाएगा। इट मीन्स ये सेवन वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं आपका गुडनेस, वेलनेस, रेवरेंस, ऑनर, ब्लेसिंग्स को ही प्रकट करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, ये वर्ड कहीं ना कहीं वेलनेस को प्रकट करने के लिए ही यूज, और इसका मीनिंग उससे रिलेटेड है। तो बिनाइन
एक प्रकार का एडजेक्टिव है। मिनाइन क्या है? एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है जेंटल, काइंड, हार्मलेस, इनोकुअस, फ्रेंडली। मीन्स बिनाइन का मीनिंग जेंटल, काइंड, हार्मलेस, इनोकुअस, फ्रेंडली। एग्जाम्पल देखिए, ए बिनाइन किंग मीन्स जेंटल किंग है, मीन्स दयालु राजा है, ए बिनाइन किंग। नेक्स्ट वर्ड है ए बिनाइन कंडीशन, मीन्स कंडीशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है, बढ़िया है, काइंड है, फ्रेंडली सिचुएशन है, मीन्स हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, मीन्स फ्रेंडली सिचुएशन है, प्लेजेंट सिचुएशन है, तो ए बिनाइन कंडीशन, ए बिनाइन किंग। तो इस प्रकार बिनाइन का मीनिंग क्या हो गया? जेंटल, काइंड, हार्मलेस, इनोकुअस, फ्रेंडली। और एग्जाम्पल, ए बिनाइन किंग, ए बिनाइन कंडीशन, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। तो इस वर्ड को देख लीजिए, यहाँ इस वर्ड में भी बीई बेने वर्ड मिल जाएगा आपको, और बेनेवोलेंट में बीई बेने है, मीन्स यह वर्ड कहीं ना कहीं गुडनेस से रिलेटेड है, काइंडनेस से रिलेटेड है, जेंटल से रिलेटेड है, फॉरगिविंग से रिलेटेड है, वेलनेस से रिलेटेड है, ऑनर से ही रिलेटेड है। इसका मीनिंग क्या है? यह एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, बेनेवोलेंट मीन्स वन हु इज काइंड, जो दयालु हो, फ्रेंडली हो, दोस्ताना व्यवहार करने वाला हो, हेल्पफुल हो, मीन्स मददगार साबित हो, जेनरस है, उदार है। तो इस प्रकार ये वर्ड का मीनिंग है वन हु इज काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, जेनरस। तो ये हो गया बेनेवोलेंट। एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बेनेवोलेंट वाज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक बेनेवोलेंट मीन्स उदार होने का, फ्रेंडली होने का, हेल्पफुल होने का उदाहरण है। मीन्स मदर टेरेसा के बारे में काफी लोगों ने सुना है और मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्ड वगैरह भारत सरकार से मिले हैं और उन्होंने बहुत पुण्य का काम किए। तो इस प्रकार बेनेवोलेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं हम मदर टेरेसा के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में आप देखिए, इसमें भी बी एन बेन वर्ड है, इट मीन्स बेनिफिशियल भी कहीं ना कहीं काइंड, ऑनर, वेलनेस, गुडनेस से ही रिलेटेड है और यह एक एडजेक्टिव है और इसको हम विशेषण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका मीनिंग है एडवांटेजियस, हेल्पफुल, यूजफुल, मीन्स एडवांटेजियस जो लाभ पहुंचाने वाला हो, हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। एज फॉर एग्जाम्पल, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इज बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट। जो गंदगी वगैरह है, गार्बेज है, कचरा है, उसको पुनः रिसाइकल करना पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होता है क्योंकि कचरे को कहीं ना कहीं फेंक देंगे तो वो वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, वो हवा में उसकी गंदगी फैलेगा। लेकिन अगर उसी गार्बेज कचरे को कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह, कहीं पर कोई मशीन वगैरह से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से अगर उसको हम दोबारा से निर्माण कर दे तो कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो फिर से यूजफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बेनिफिशियल मीन्स एडवांटेजियस, हेल्पफुल, यूजफुल और एज फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इज बेनिफिशियल टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट बेनिफिशरी। बेनिफिशरी यहाँ वर्ड है। बेनिफिशरी बैंक वगैरह में कहीं किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो नाम ऐड करते हैं ना, तो बेनिफिशरी उसी वर्ड उसी से रिलेटेड है। बेनिफिशरी में भी बेन वर्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं यह रिलेटेड है गुडनेस से, वेलनेस से, रेवरेंस से, ऑनर से। तो बेनिफिशरी एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा, इसे हम नाम की तरह यूज करेंगे। ए पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। किसी व्यक्ति को मदद मिलता है या एडवांटेज पहुंचता है खासकर पैसे के रूप में तो उसे हम बेनिफिशरी कहेंगे। तो समझ गए होंगे कि बेनिफिशरी में भी बेने वर्ड है, मीन्स यह रिलेटेड है कहीं ना कहीं एडवांटेज से, गुडनेस से, वेलनेस से, और यह नाउन है और मीन्स किसी व्यक्ति को पैसे के रूप में मदद मिलती है तो उसे हम बेनिफिशरी कहते हैं। नेक्स्ट वन बेनेडिक्शन।
मीन्स इसमें बेने वर्ड भी है और डिक्ट वर्ड भी है। तो डिक्ट मीन्स पहले ही हम लोग पढ़े हैं, अनाउंसमेंट करना, टू से, टू टेल, और बेने मीन्स गुडनेस, वेलनेस, काइंडनेस, रेवरेंस, ऑनर। तो ये दोनों को इंडिकेट करेगा, और यह बेनेडिक्शन एक प्रकार का नाउन है, यह संज्ञा की तरह इसको यूज करते हैं, मीन्स ब्लेसिंग्स, बून, आशीर्वाद देना, वरदान देना। तो ये सारे वर्ड्स, ये मीनिंग से रिलेटेड वर्ड है बेनेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है बेनेफैक्टर, इसमें भी रूट वर्ड बेने आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए बेने। तो बेनेफैक्टर एक प्रकार का नाउन है, इसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग है पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और कॉज, मीन्स एक पर्सन किसी को पैसे या किसी दूसरे हेल्प के रूप में मदद करता है, तो उसे हम बेनिफैक्टर है मीन्स। और बेनिसन एक वर्ड है, यह एक प्रकार का नाउन है और इसे संज्ञा की तरह यूज करते हैं। और बेनिसन मीन्स होता है ब्लेसिंग्स, मीन्स किसी को शुभावना देना, किसी को आशीर्वाद दे देना, मीन्स शुभ वचन बोल देना। तो ये बेनिसन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर बेने रूट वर्ड से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स देख लिए, बनाइन मीन्स हार्म, हार्मलेस, जेंटल, काइंड, फ्रेंडली, बेनेवोलेंट मीन्स वन हु इज काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, जेनरस। नेक्स्ट हम लोगों ने चेक किया बेनिफिशियल मीन्स एडवांटेजियस, हेल्पफुल, यूजफुल। फिर नेक्स्ट वर्ड हो गया बेनिफिशरी मीन्स नाउन, ए पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। बेनिफैक्टर हो गया यहाँ, बेनेडिक्शन है मीन्स ब्लेसिंग्स, बोन, बेनिफैक्टर मीन्स पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू ए पर्सन और कॉज। नेक्स्ट वन है बेनिसन मीन्स ए ब्लेसिंग। इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों ने सीखा रूट वर्ड बेने से रिलेटेड वर्ड्स और उसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड पर जाने से पहले, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो फिर इस सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी एजुकेशनल क्लासेस है वो अगर आपको बढ़िया लगता है तो फिर आप लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं, मैल, एमेल, मैल रूट वर्ड। तो मैल रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। मैल मीन्स क्या होता है, बैड और इविल, मीन्स मैल मीन्स बैड और इविल, जो बैड और इविल से रिलेटेड हो तो उसे हम लोग मैल कहेंगे। फ्लोइंग वर्ड्स आर बेस्ड ऑन रूट वर्ड मैल, ये जो वर्ड्स है ये रूट वर्ड मैल से रिलेटेड है। मीन्स एक नंबर में मलाइन मीन्स हार्म, बैड, डिस्ट्रक्टिव, इविल, व्हेन मैलेवोलेंट मीन्स अनकाइंड, इम्पोलाइट, स्पाइटफुल, विशिंग इल विल टू अदर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मलाइन में मेल मैल है, मेलेवोलेंट में मैल है, मैलेफैक्टर में मैल है, मीन्स कहीं ना कहीं बैड और इविल से ही रिलेटेड है। मैलाफिडिया मीन्स यहाँ भी मैल है, मैल न्यूट्रिशन में भी मैल मिल जाएगा आपको, मलाइस में भी मैल है, मीन्स कहीं ना कहीं ईल और बैड से ही रिलेटेड ये वर्ड है। मलाइस में भी एमेल मैल है, मैलाट्रोइट में एमेल मैल है, मलिशियस में मैल है, मलिग्नेंट में मैल है। इस प्रकार ये रूट वर्ड्स मैल से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। ये सबका मीनिंग एक ही करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर में है मलाइन, मीन्स ये मलाइन जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसे विशेषण की तरह यूज करते हैं, मीन्स हार्म, बैड, डिस्ट्रक्टिव, इविल। इसका मीनिंग है हार्म, बैड, डिस्ट्रक्टिव और इविल। और मलाइन वर्ड से रिलेटेड हार्म, बैड, डिस्ट्रक्टिव और इविल। नेक्स्ट मेलेवोलेंट, यह एडजेक्टिव है, इसको विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका मीनिंग है अनकाइंड, इम्पोलाइट, स्पाइटफुल, विशिंग इल विल टू अदर्स, मीन्स दयालु नहीं हो, जो पोलाइट नहीं हो, जो विनम्र नहीं हो, स्पाइटफुल हो, जो जहरीला हो, मीन्स वेनोमस हो। फिर नेक्स्ट है विशिंग इल विल टू अदर्स, दूसरों को जो है अशुभ वचन और दुष्ट वचन, दुष्मना, अनिच्छा जिसको बोलते हैं ना, अंदर से दुष्ट संकल्प, दुष्ट विचार रखने वाला। नेक्स्ट है
मैलेफैक्टर, मैलेफैक्टर एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है, मीन्स ए करप्ट एंड इमोरल पर्सन दैट इज विक्ड। मैलेफिडा मीन्स एडजेक्टिव है। बैड इन फेथ, नॉट जेन्यून, फेक, अनट्रस्टवर्दी। तो ये हो गया मैलेफिडे, मीन्स एडजेक्टिव, बैड इन फेथ, नॉट जेन्यून, फेक, अनट्रस्टवर्दी। फिर नेक्स्ट है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन भी एक प्रकार का नाउन है, मीन्स इसे संज्ञा का यूज करेंगे और इसका मीनिंग है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, मीन्स सही खान पान की कमी। पुअर डाइट मीन्स कमजोर, माने खराब आहार, मीन्स प्रॉपर जिस संतुलित आहार नहीं होना, तो उसे हम पुअर डाइट कहेंगे। अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन, वही बात है। तो ये वर्ड मैल न्यूट्रिशन भी में भी मैल रूट वर्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं बैड और इविल से ही रिलेटेड है ये मीनिंग। और नेक्स्ट है मलिस। मलिस में भी मैल है, इस मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं बैड और इल से रिलेटेड है और यह नाउन है, इसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग है इलविल और हैट्रेड, घृणा से रिलेटेड है मलिस। नेक्स्ट वर्ड आइए समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मलैस। मलैस जो है यह भी नाउन है और इसका मीनिंग है एन ओवरऑल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड लैक ऑफ वेल बीइंग, मीन्स एन ओवरऑल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड लैक ऑफ वेल बीइंग, तो उसको हम मलैस कहेंगे। फिर नेक्स्ट 8 नंबर वर्ड है मलाट्रॉइट, मीन्स इन एक्सपर्ट हो, इमेच्योर हो, मीन्स जो एक्सपर्ट नहीं हो, जो मैच्योर नहीं हो, जो नौ सीखिया हो, जो नया नया हो, जो टायरो हो, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने पिछले रूट वर्ड के क्लास में मैलाट्राइट से रिलेटेड सिनोनिम्स किया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर मलिशियस। मलिशियस भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं मलिशियस को। इसका मीनिंग है विकड, होस्टाइल, हार्मफुल, स्पाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट एक नाउन है, इसका मीनिंग है हार्मफुल, फैटल। मलिग्नेंट हार्मफुल, फैटल, ठीक है। जैसे ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो बोलते हैं, जब ट्यूमर की स्थिति खराब हो जाती है तो मलिग्नेंट ट्यूमर, डॉक्टर वगैरह अक्सर करके ट्यूमर की स्थिति खराब होती है तो मलिग्नेंट वर्ड का यूज करके वो लिखता है। आइए समझते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसी मैल रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ। फर्स्ट नंबर में है मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट मीन्स मैलेवोलेंट एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स है इमेच्योर, जो नया नया है, जो नो सीखिया है, अप्रेंटिस, नोवाइस है, किसी जॉब में, किसी सिचुएशन में अभी अभी ज्वाइन किया है, नया है, इनेप्ट, जिसको गहराई की जानकारी नहीं है। फिर अमेचर, जो बिगिनर है, जो नो शौकिया है, शौकिया कोई काम करता है, इसका मतलब उसको गहरी जानकारी नहीं है, दैट इज बिगनर। टायरो मीन्स नया नया है। क्रूड मीन्स ये अभी कच्चा है, ये बच्चा अभी थोड़ा कच्चा है, मीन्स क्रूड है, नया नया है, इसको अभी गहरी जानकारी नहीं है। इनकम्पिटेंट मीन्स वही है, न्योफाइट भी वही है, मीन्स ये सारे के सारे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं मैलेवोलेंट का, ये सिनोनिम्स हो गए। और फिर नेक्स्ट एंटोनिम्स की अगर बात करें तो अडेप्ट मीन्स जिसको डेप्थ में नॉलेज हो, यहाँ पर इनडेप्थ था जिसको डेप्थ में नॉलेज नहीं हो, लेकिन यहाँ पर अडेप्ट मीन्स जिसको डेप्थ में नॉलेज हो, एप्ट मीन्स जिसको गहरी जानकारी हो, डेक्सट्रस मीन्स जिसको कुशलता प्राप्त हो, एड्रॉइट मीन्स जो एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट मीन्स जो गुणी हो, वर्साटाइल मीन्स जिसको किसी क्षेत्र विशेष रूप में अच्छी जानकारी हो, वेटरन मीन्स जो ख्याति प्राप्त हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है मैलेवोलेंट का एंटोनिम्स हो गए। दूसरा रूट वर्ड देख लेते हैं तो, एक मिनट।
चलिए समझते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड है मैलेवोलेंट। तो मैलेवोलेंट जो है एडजेक्टिव है, तो फिर ये आप स्टूडेंट समझ सकते हो कि मैलेवोलेंट जो है इसका मीनिंग सेम मीनिंग इस प्रकार है, सिनोनिम्स है, समझिए हैट्रेड है, जो घृणा करने वाला हो, इलविल हो, जो द्वेष की भावना रखता हो, स्पाइटफुल हो, जो वेनमस हो, जहरीला हो, बिटर है, जो कड़वा हो, वेनमस हो, परनीसियस है, जो हार्मफुल है, मैलेफिसेंट है, जो इविल डूयर्स है, बुरे काम करने वाले हैं, विंडिक्टिव है, मीन्स जो बदला लेने का द्वेष भावना रखता हो, विशियस है, लोजी है, मलीस है, मीन्स हैट्रेड है। तो ये सारे वर्ड्स मैलेवोलेंट का सिनोनिम्स है। कौन कौन बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है यहाँ पर, हैट्रेड है, इलविल है, स्पाइटफुल है, बिटर है, वेनोमस है, परनीसियस है, मैलेफिसेंट है, इविल डूयर्स है, विंडिक्टिव है, विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, विशियस है, लोसी है और मलिस है। ये सारे वर्ड्स हो गए सिनोनिम्स मैलेवोलेंट का। नेक्स्ट एंटोनिम्स यहाँ पर देख लीजिए, मैलेवोलेंट का एंटोनिम्स भी है, बेनेवोलेंट मीन्स जो बढ़िया हो, और एक मैलेवोलेंट, दूसरा बेनेवोलेंट, फिर चैरिटेबल हो, जो दानवान करने वाला हो, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल आप देखे होंगे, चैरिटेबल स्कूल देखे होंगे, फिर फ्रेंडली है मीन्स जो दोस्ताना व्यवहार करने वाला हो, ह्यूमेन है, फिर कॉम्पैशनेट है जो पूरी एनर्जी से भरा हो, फिलैंथ्रोपिक है जो गरीबों की मदद करने वाला हो, जेनरस हो, चैरिटेबल हो, अल्ट्रुइस्टिक है जो दूसरों की भलाई के लिए इच्छा प्रकट करने वाला हो। तो ये सारे वर्ड्स जो हो गया मैलेवोलेंट का सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, बेनेवोलेंट, चैरिटेबल, फ्रेंडली, ह्यूमेन, कंपैशनेट, फिलैंथ्रोपिक, जेनरस, अल्ट्रुइस्टिक। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा मैलेवोलेंट का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड। फिर नेक्स्ट रूट वर्ड अभी हम लोग देखेंगे ग्री से रिलेटेड, ग्री रूट वर्ड को समझेंगे, ग्री रूट वर्ड। ग्री रूट वर्ड जो है, ग्री रूट वर्ड, ग्री रूट वर्ड जनरली ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं समूह से रिलेटेड है, गैदर से रिलेटेड है। तो आइए समझ लेते हैं ग्री रूट वर्ड से जो भी वर्ड्स बने हैं उसको। सबसे पहला जो है ग्रीगेरियस है, ग्रीगेरियस में भी आप ग्री यहां पर देख रहे होंगे, ग्री है मीन्स ये वर्ड ग्रीगेरियस गैदरिंग से रिलेटेड है, ग्रुप से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं समूह से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है कॉन्ग्रीगेशन, इसमें भी ग्री वर्ड आप देखे होंगे, ग्री रूट वर्ड मीन्स यह भी कहीं ना कहीं सभा से रिलेटेड है, ग्रुप से रिलेटेड है, गैदर से रिलेटेड है। नेक्स्ट रूट वर्ड देख, नेक्स्ट वर्ड है इग्रीगियस, मीन्स इग्रीजियस में भी ग्री रूट वर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं गैदर और ग्रुप से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है सेग्रीगेट, मीन्स यहाँ भी ग्री वर्ड मिल गया, मीन्स कहीं ना कहीं यह ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट, यहाँ भी ग्री वर्ड मिल गया, मीन्स कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है। फिर इसके बाद ये फाइव वर्ड है, चलिए अब इसका एक एक करके मीनिंग समझते हैं, यूज से समझ लेते हैं। ग्रीगारियस मीन्स यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है, और इसका मीनिंग है ऑफ पर्सन फॉन्ड ऑफ कंपनी, मीन्स सोशेबल, फ्रेंडली, मीन्स जो समूह में रहने को ज़्यादा पसंद करता हो, सोशेबल हो जो समाज में रहना पसंद करता हो, फ्रेंडली हो जो जो दोस्ताना व्यवहार करने वाला हो, अर्थात समूह बना लेता हो अपने बात विचारों से, तो ऐसे को ग्रीगेरियस कहेंगे। मीन्स सर्टेन एनिमल्स लाइक शीप, डियर आर ग्रीगेरियस बाय नेचर, जैसे कुछ खास जानवर होते हैं जैसे भेड़ हो गए, हरिन हो गया, ये लोग जो है समूह में रहना पसंद करता है, और कुछ ऐसे जानवर होता है जो समूह में रहना पसंद नहीं करता, अकेले अकेले रहना पसंद करता है। तो ग्रीगेरियस बाय नेचर जो एनिमल्स हैं वो
मुझे खास करके अच्छे लगते हैं, जैसे डियर है, शिप है, कुछ ह्यूमन बींग्स भी है, कुछ ऐसे ह्यूमन कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा जो अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन खास करके जो समूह में रहना पसंद करता है वो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, इसमें भी ग्री वर्ड है, मीन्स कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है, और कॉन्ग्रीगेशन एक प्रकार का नाउन है, मीन्स इसे हम संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, मीन्स लोगों की समूह इकट्ठा हुआ है वर्शिप करने के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए, तो इसके लिए कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन ये भी भीड़ है एक प्रकार का, लेकिन ये भीड़ है पूजा पाठ के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड है जैसे क्राउड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड है, मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड वे, काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं लेकिन अव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं, अव्यवस्थित ढंग से, इसे हम क्राउड कहेंगे। फिर नेक्स्ट वन है मॉब, मीन्स ए डिसऑर्डरली क्राउड विद अ पोटेंशियल फॉर वायलेंस, मीन्स यह मॉब है, क्राउड है, क्राउड तो ऐसे भी डिसऑर्डरली है, लेकिन ये क्राउड जो आ गया, अगर कोई क्राउड हिंसक युद्ध के लिए उतर जाए तो उसे हम मॉब कहेंगे। तो क्राउड और मॉब में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्राउड है अनियंत्रित भीड़, और अनियंत्रित भीड़ जब हिंसक हो जाए तो वो कहलाएगा मॉब, और ये कहलाएगा क्राउड। फिर नेक्स्ट है एग्रीजियस, एग्रीजियस में भी GREE रूट वर्ड आपको मिल जाएगा, मीन्स एग्रीजियस, एग्रीजियस जो है यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स वेरी नोटिसिएबल इन इन अ ग्रुप स्पेशली फॉर बीइंग बैड और इनकरेक्ट, मीन्स काफी बुरे काम के लिए चर्चा में रहना, तो उसे हम कहेंगे एग्रीजियस। इट इज नेगेटिव वर्ड और यह एक प्रकार का नकारात्मक शब्द है। नेक्स्ट जो है 5-4 नंबर में सेग्रीगेट, सेग्रीगेट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर GREE रूट वर्ड है, मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है, और यह एक प्रकार का वर्ब है, मीन्स क्रिया का काम करता है, आइसोलेट और डिवाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स, छोटे छोटे समूह में, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना, तो उसको हम लोग सेग्रीगेट कहेंगे। दूसरा आता है एग्रीगेट, तो एग्रीगेट में भी GREE है, मीन्स कहीं ना कहीं ग्रुप और गैदरिंग से रिलेटेड है, तो एग्रीगेट वर्ड आप ज्यादातर सुने होंगे मार्क्स वगैरह में पूछा जाता है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या स्कूल का मार्कशीट मिलता है, या इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिक का हो, ग्रेजुएशन का हो, जब मार्कशीट मिलता है तो उसमें एग्रीगेट मार्क्स लिखा रहता है, मीन्स टोटल मार्क्स को जोड़ करके, सब्जेक्ट वाइज अलग रहता है, फिर आपका ऑनर्स का अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर लिए होंगे तो देखे होंगे मार्क्सिट में ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उसका ऑनर्स का अलग जोड़ा हुआ है, फिर जो सब्सिडरी है उसका मार्क्स अलग है, और एक जगह होगा एग्रीगेट मार्क्स, मीन्स सारे के सारे जोड़ करके लिखा हुआ होगा, तो एग्रीगेट मीन्स होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स, द काउंसिल वाज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबलीज, मीन्स टोटल को जोड़ करके एलिमेंट तैयार करना एग्रीगेट है, जैसे कुछ सभाएं हैं वो 3 अलग अलग धार्मिक सभाओं को मिला करके परिषद का निर्माण किया, मीन्स परिषद था, काउंसिल था। तो इस प्रकार एक बार रिविजन कर लेते हैं, ग्री रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बने हैं, तो ग्री मीन्स होता है ग्रुप और गैदर, एक मिनट इसे पहले रब कर लूं, ठीक है।
ग्री रूट वर्ड है और इसका मीनिंग है ग्रुप और गैदर। ग्रीगेरियस है मीन्स जो ग्रुप में रहने को पसंद करता हो ज्यादातर, मीन्स सोशल है, फ्रेंडली है। कॉन्ग्रीगेशन है मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। क्राउड हो गया मीन्स अनियंत्रित भीड़, और मॉब हो गया अनियंत्रित भीड़ जो हिंसक कार्य में तब्दील हो जाए। फिर एग्रीजियस हो गया मीन्स नोटिसिबली इन अ ग्रुप स्पेशली फॉर बीइंग बैड और इनकरेक्ट। फिर सेग्रीगेट हो गया मीन्स आइसोलेट और डिवाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। एग्रीगेट हो गया मीन्स टोटल सम को जोड़ने के बाद जो आता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस प्रकार है, ग्रीगेरियस एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ग्रीगेरियस मीन्स अफेबल, फ्रेंडली, गुड, नेचर्ड, एमिएबल, कोर्डियल, एमिकेबल, फ्रेंडली, पीसफुल, सोशेबल, कन्वाइवियल, लिवली, जेनियल, कॉर्टियस, हॉस्पिटेबल और एक्सट्रोवर्ट। ये सारे वर्ड्स जो है ग्रीगेरियस रिलेटेड है, मीन्स सारे के सारे वर्ड्स ग्रीगेरियस का सिनोनिम्स है। तो अफेबल है मीन्स फ्रेंडली है, जो गुड नेचर है। एमिएबल और एमिकेबल मीन्स ये दोनों कहीं ना कहीं आपसी मधुर संबंध को स्थापित करने वाला हो, जो फ्रेंडली हो, जो पीसफुल हो। सोशेबल मीन्स जो फ्रेंडली है, जो सामाजिक है। कन्वाइवियल मीन्स जो लाइकली हो, लिवली हो, जीवित रहने वाला हो, लिवली से रिलेटेड है। जेनियल है, कॉर्टियस है, हॉस्पिटेबल है, फिर एक्सट्रोवर्ट है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ग्रीगेरियस का सिनोनिम्स है। फिर इसका एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। एंटोनिम्स है अनसोशेबल है, इंट्रोवर्ट है, रेक्लूसिव है, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, लॉनली मीन्स जो असामाजिक हो, इंट्रोवर्ट हो, रेक्लूसिव हो, अवॉइडिंग कंपनी ऑफ अदर पीपल, जो अकेले अकेले रहना पसंद करता हो, जो समाज में ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता हो, उसके लिए अनसोशेबल, इंट्रोवर्ट या लॉनली। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है ग्रीगेरियस का एंटोनिम्स है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है वायु, VIV वायु। वाइव इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लाइफ, लाइव और लिवली। वाइव जो है VIV वाइव जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लाइफ हो, अलाइव हो, लिवली हो। और इससे रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स बन सकते हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। कॉन्वाइवियल है, कॉन्वाइवियल में भी VIV वाइव है। विवेसियस में VIV वाइव है। विविध में VIV वाइब है। विविपारस में VIV वाइब है। रिवाइव में VIV वाइब है। फिर सर्वाइव में VIV वाइब है। ओरिजिनल में VIV है, इसमें VIV नहीं है लेकिन फिर भी VIV से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट VV सेक्शन में VIV है। इस प्रकार ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे लाइफ, लिवलीहुड और अलाइव, लाइफ लिवली से रिलेटेड है। आइए एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले जो कन्वाइवियल है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स फ्रेंडली, लिवली एंड एंजॉयबल, और इसका मीनिंग कन्वाइवियल है।
फिर नेक्स्ट वन है सेकेंड वन विवासियस, यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण की तरह यूज कर सकते हैं। पर्सन फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, हाई स्पिरिटेड, जो व्यक्ति पूरी तरह एनर्जी से रिलेटेड हो उसे हम विवासियस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है विविध, मीन्स रियलिस्टिक हो, क्लियर हो, डिटेल्ड हो, ट्रू टू लाइफ हो, गिविंग अ क्लियर विजुअल इंप्रेशन इन वर्ड्स, तो उसे हम विविध कहेंगे। विवी पारस मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस रादर देन प्रोड्यूसिंग यंग, तो ये विवी पारस हो गया। फिर ओवी पारस भी है, मीन्स प्रोड्यूसिंग एग्स दैट हैच आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर में जो है रिवाइव है, रिवाइव मीन्स रिवाइव एक प्रकार का वर्ब है, इसमें वी आई वी मिल जाएगा आपको, मीन्स टू गिव न्यू लाइफ स्ट्रेंथ टू समथिंग समवन, रीस्टोर टू लाइफ, इसे हम रिवाइव कहेंगे। सर्वाइव है मीन्स यह एक प्रकार का वर्ब है, मीन्स कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट स्पेशली इन स्पाइट और डेंजर और हार्डशिप, खास करके खतरे के समय या गलत परिस्थिति के समय भी सर्वाइव कर जाना, उसे हम सा जीवन में बने रहना, जीवन यापन करते रहना, उसे हम सर्वाइव कहेंगे। वाइटल जो इम्पोर्टेंट हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, इसेंशियल हो, क्रूशियल हो, इंडिस्पेंसिबल हो, इन अत्यावश्यक हो, उसे हम वाइटल कहेंगे। वीवी सेक्शन में वी आई वी है, मीन्स यह वर्ड भी कहीं ना कहीं नाउन संज्ञा से संबंधित है, नाउन है, मीन्स इसे हम सर्जरी कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों पर जो सर्जरी किया जाता है उसे हम वीवी सेक्शन कहेंगे, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने इतने वी आई वी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड समझा, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉन्वाइवियल, नेक्स्ट है विवासियस, कॉन्वाइवियल, सेकेंड वन है विवासियस, थर्ड वन है विविध, थर्ड वन विविध, और फोर्थ वन विवी पारस, और फिफ्थ वन रिवाइव है, और सिक्स नंबर में सर्वाइव है, और सेवन हो गया वाइटल, हो गया एब्सोल्यूट नेसेसरी एसेंशियल क्रूशियल इंडिस्पेंसिबल, और एट नंबर में विवी सेक्शन में सर्जरी कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओके, लेट्स सी द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट नंबर है विवासियस, विवासियस का सिनोनिम समझ लेते हैं। विवासियस एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम्स इस प्रकार है, लिवली है, इबुलियंट है, जो खूब एनर्जी से भरा हुआ हो, स्प्राइटली है, जॉन्टी है, जो चीयरफुल हो, विग्रस है, एफर्वेसेंट है, बुआयंट है, चीयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, जो आशावादी हो, एग्जुबरेंट है, फ्रोलिकसम है, लिवली है, प्लेफुल हो गया, ब्लीथ हो गया, हैप्पी हो गया, तो ये सारे वर्ड्स जो है विवासियस का सिनोनिम्स हो गया। मीन्स लिवली, इबुलियंट, फुल ऑफ एनर्जी, मीन्स स्प्राइटली, जॉन्टी, विगरस, एफर्वेसेंट, बुआयंट, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एग्जुबरेंट, फ्रोलिकसम, ब्लीथ, ये सारे के सारे वर्ड्स विवासियस का सिनोनिम्स है। कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है इसका एंटोनिम्स देख लीजिए, स्लगिश हो गया, लिस्टलेस है, पैसिव है, इनएक्टिव है, लैंग्विड है, रिग्रेसिव है, डोरमेंट है, स्टोरपीड है, लिथार्जिक है, सुपाइन है, स्लॉथफुल, लेजी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग विविध, विविध जो है यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है, इसे विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका सिनोनिम्स है क्लियर, जो स्पष्ट हो, डिस्टिंक्ट हो, रियलिस्टिक हो, लूसिड हो, क्लियर, डिस्टिंक्ट, रियलिस्टिक, क्लियर, डिस्टिंक्ट, रियलिस्टिक और लूसिड, क्लियर, डिस्टिंक्ट, रियलिस्टिक और लूसिड, ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए जो सिनोनिम्स ऑफ विविध हो गया। फिर एंटोनिम्स देख लेते हैं यहाँ पर, एंटोनिम्स हो गया डार्क हो गया, क्लाउडी हो गया, अनक्लियर हो गया, हैसी हो गया, ब्लैंड हो गया और अनक्लियर हो गया, मीन्स डार्क, क्लाउडी, अनक्लियर, हैसी, ब्लैंड,
ये सारे के सारे वर्ड जो है एंटोनिम्स ऑफ विविट। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी वीआईवी वाई रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स देखे और उसका कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फिर इस प्रकार आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने फाइव रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स बन सकता था उसको देखा, और ये फाइव रूट वर्ड कौन कौन सा था। फाइव रूट वर्ड है यहाँ पर डिक्ट है, नेक्स्ट वर्ड है बेने है, नेक्स्ट मैल है, ग्री है और वाइव है। कहीं ना कहीं टू टेल से समथिंग अनाउंस से रिलेटेड डिक्ट वर्ड था। इससे रिलेटेड सारे के सारे वर्ड बेस्ड रूट वर्ड बेस्ड वर्ड्स को हम लोगों ने समझा, इसका कुछ सिनोनिम्स भी समझा। फिर बेने विच मीन्स गुडनेस वेलनेस ऑनर रेफरेंस, इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो सारे वर्ड्स हैं वो सभी बेस्ड रूट वर्ड बेस्ड बेने रूट वर्ड बेस्ड हम लोगों ने क्लियर किया। मैल मीन्स बैड और इविल, इससे रिलेटेड सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों ने समझा। ग्री मीन्स गैदर और कहीं ना कहीं गैदरिंग ग्रुप और गैदरिंग, इससे रिलेटेड सारे के सारे रूट वर्ड्स बेड रूट वर्ड बेस्ड वर्ड्स हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, उसका मीनिंग समझा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा। फिर वी आई वी वाई मीन्स अलाइव लाइफ या लिविंग, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इस वी आई वी वाई रूट वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकता था उसका हम लोगों ने मीनिंग समझा, उसका एक एक करके मीनिंग सिनोनिम्स भी कुछ समझा, फिर डिटेल्स में समझा। तो आज हम लोगों ने फाइव रूट वर्ड कंप्लीट किया, और इसके पहले क्लास नंबर 7 में भी हम लोग फाइव रूट वर्ड कंप्लीट किए। फिर क्लास 6 में हम लोगों ने 3 रूट वर्ड कंप्लीट किया। तो कुल जो है यहाँ पर हम लोग कितना रूट वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं कुल मिलाकर के देख लेते हैं। हम लोगों ने कितना रूट वर्ड अभी कंप्लीट कर लिया क्लास 6 में, 6 नंबर क्लास में हम लोगों ने 3 रूट वर्ड कंप्लीट किए। क्लास 7 में जो है 5, 6 में 3, 7 में 5 और 8 आज में 5, और उसके पहले 5 रूट वर्ड ऑलरेडी हो चुका है एक एक करके। तो यहाँ पर 5, 5, 10 और 5, 15 और 3, 18 टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर 18 रूट वर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, और 18 रूट वर्ड पर बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो कुल मिलाकर के जो वोकैबुलरी सीरीज चल रहा है यह अभी पूरे के पूरे जितने भी रूट वर्ड हैं उन सभी के सभी रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम रूट वर्ड से केवल जैसे डिक्ट से 10 वर्ड बेस्ड बना, 10 रूट वर्ड बेस्ड डिक्ट से बना, फिर से एंटोनिम्स एंटोनिम्स को छोड़ दीजिए। इस प्रकार के